ना आज हमारी जिंदगियों में कोई उसूल है ना कोई जाबता है मेरे दोस्त। आज मसाइल का अंबार हमारे मुआशरे में, आज हमारा नौजवानों का जो तबका है ईमान और यकीन की दौलत में इतना पस्त इतना कमजोर है, जरा सी इस्तेकामत नहीं है उसकी जिंदगी में, जरा सी परेशानियां आ गए एक वबाल वाली जिंदगी उसकी बन जाती है। ना हमारी जिंदगियों का कोई मकसद है, मकसद है तो बस यही है कि हम कैसी ऐशो इशरत वाली जिंदगी गुजारे। नहीं मेरे दोस्त, तो दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और मोमिन के लिए कैद खाना है। ये दुनिया दुनिया वालों के लिए मेरे दोस्त, हमारे लिए नहीं है, मगर हम है कि बस इसी दुनिया की तरफ जा रहे हैं, हम अपने मकसद हयात को भूल बैठे हैं मेरे दोस्त। मौला ताला ने जिस इबादत के लिए हमको पैदा किया था, मगर हम वैसी इबादत नहीं कर रहे हम वैसी इबादत जैसी इबादत करने का हमको हुक्म है। कहाँ है बताओ? ये नमाज तो आपके लिए एक मशक है मेरे दोस्त, अल्लाह के तरफ रुजू होने के लिए, हमेशा उस ख्याल में बने रहने के लिए ये मशक की जगह है। पहले तो हम नमाजों को आते ही नहीं है, ना नमाज से ताल्लुक हमारा, ना दीनी मामलात से कोई ताल्लुक है। आज हर कोई जो है नफ्सा नफ्सी की जिंदगी गुजार रहा, ऐसा दिखता है हमारे मुआशरे के देखे तो। क्या क़यामत बपा हो चुकी है? क्या हमारे महलों में मैदान हशर बपा हो चुका है?